सहवाग की विराट को अहम सलाह बोले चौथे टेस्ट में न नोहरा गलती टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट अगस्त से साउथन में खेला जाएगा इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि चौथे टेस्ट में कप्तान विराट कोहली को, को प्लेइंग इलेवन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए बता दें कि टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड को दो से करारी मार दी थी इसके साथ टीम इंडिया को मौजूदा टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक मैच में जीत मिली है जबकि दो मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है दरअसल एक मीडिया चैनल से बातचीत में सहवाग ने कहा विराट कोहली बिना टीम में बदलाव किए अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेले हैं उन्होंने अपनी कप्तानी में 38 टेस्ट मैच खेले हैं और सभी में उन्होंने बदलाव किया है हालांकि मेरा मानना है कि टीम में अभी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है टीम पूरी तरीके से बैलेंस और मजबूत है उन्होंने आगे कहा यह कहना कठिन होगा कि टीम में कोई बदलाव नहीं हो सकता निजी तौर पर मेरा मानना है कि अगले यानी चौथे टेस्ट में कोई बदलाव नहीं हो लेकिन कप्तान विराट कोहली ऐसा शायद नहीं कर सकते टीम पूरी तरह से बैलेंस और मजबूत है तेज गेंदबाज के साथ अश्विन भी अच्छे फॉर्म में हैं। ओपनर्स के साथ मिलिड ऑर्डर के बल्लेबाज भी ब्रिज में अच्छा प्रदर्शन किए हैं उनतालीस वर्षीय सहवाग ने उन सुनहरे दिनों को याद करते हुए कहा कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ दोनों स्लिप में फील्डिंग करते थे और एक भी सिंगल कैच नहीं छोड़ते थे उसी प्रकार तीसरे टेस्ट में खेल राहुल ऋषभ पंत और विराट कोहली ने शानदार कैच लपका यह जीत का बहुत बड़ा कारण है हमारे समय में वीवीएस लक्ष्मण राहुल द्रविड और सचिन तेंदुलकर बमुश्किल कोई कैच छोड़ते थे